आईपीएस अफसर पूर्व डीआईजी रहे श्री राजीव रंजन जी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामे है। बहुत बहुत अभिनंदन प्रदीप जी। उधर 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 संतोषी साहू जी, अनिल कुमार सिंह जी, दुर्गा ठाकुर जी, विवेक कुमार सिंह जी, मिथिलेश कुमार सिंह जी, अंकित केतानी, कैलाश शर्मा जी, मुन्ना सोनी जी, गोपाल प्रसाद गुप्ता जी, हम तो आइए पास में आइए। चलिए जगपाल सिंह नागी स्वामी में आई थी, आप भी समाज सेवी हैं। स्वामी मेरे नाम दीपक कुमार जी आइए। और एक व्यक्तिगत रूप से उनका परिचय इनसे पहले रहा होगा। नैयर भाई, नैयर भाई, मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव प्रदेश कार्यालय झारखंड, जहां पर बीजेपी हर रणनीति तैयार करती है और जहां से यहीं से डिसाइड होता है कि कौन विधायक बनेगा, कौन संसद बनेगा, कौन जिला अध्यक्ष बनेगा। पूर्व आयुक्त डीआईजी आईजी राजीव रंजन जी ने भी आज बीजेपी का दामन थामा। अब देखना है कि राजीव रंजन जी का जो एक्सपीरियंस है, राजीव रंजन जी का जो कार्य क्षेत्र है, क्या उनको पार्टी उनका यूज करती है, क्या पार्टी उनका एक्सपीरियंस को शेयर करती है। और सबसे बड़ी चीज़ कि राजीव रंजन जी का जो बहुत अधिक एक्सपीरियंस है कोल्हान क्षेत्र में, जहां पर बीजेपी का 2019 में बहुत अधिक नुकसान हुआ था, जहां पर कोल्हान में एक भी विधायक नहीं जीते थे, तो क्या इनका फ़ायदा उस क्षेत्र में उठाती है या नहीं उठाती है, और क्या यह 2024 में क्या इसका फ़ायदा होने वाला है, या तो समय बताएगा। लेकिन बीजेपी को एक ऐसा घोड़ा मिला है जिसमें बीजेपी बैठ के सत्ता तक जरूर पहुंचेगी। आइए राजीव रंजन जी से बात करते हैं। सर, बात हो रही कि इतना एक्टिविटी होने के बाद, समाज सेवी होने के बाद, बहुत सा योजना, बहुत सा, आपने इतने लेट में बीजेपी में क्यों ज्वाइन किया? इतने लेट में कहने का मतलब, मैं पहले एक साल अपने को जांच कर रहा था, क्योंकि राजनीतिज्ञ का काम और एक ब्यूरोक्रेट्स का काम दोनों अलग अलग है। तो एक साल मैं पहले अपने को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था कि मैं इस काम के लिए फिट हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं हड़बड़ी में पार्टी ज्वाइन नहीं करना चाहता था। मेरा चूँकि मकसद कोई चुनाव लड़ना नहीं है, तो मैं पहले अपने को फिट किया कि समाज सेवा के लिए मैं फिट हूँ कि नहीं हूँ। एक साल इंडिपेंडेंट रूप से काम करने के बाद काफ़ी सोच विचार करके मैं पार्टी ज्वाइन किया। सर, बात होती है कि जो एक्सपीरियंस है, जो आपके पास इतना काबिलियत है, क्या पार्टी उसका यूज करेगी या पार्टी का आप यूज करेंगे? बिल्कुल, जो एक्सपीरियंस है ये तो यूज करना पार्टी का कार्य है। हम लोग एज ए कार्यकर्ता ज्वाइन किए हैं, और पार्टी जो भी दायित्व देगी, जो भी काम देगी, वो बखूबी हम लोग करने का कोशिश करेंगे। और आगे आप भी देखिएगा, पार्टी भी देखेगी, जनता भी देखेगी। सर, बात होती है कि 2024 में ये अभी पार्टी आपको दायित्व देगी, लेकिन आपने एक तो विजन तो बनाया होगा कि 2024 में आप अपने आप को क्या सांसद या विधायक में खड़ा होना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसा कोई विजन नहीं है, मेरा विजन बिल्कुल पार्टी अगर आपको अगर आप मौका देती है, पार्टी जब देखे देगी तो फिर सोचा जाएगा। अभी है कि मैं कार्यकर्ता के रूप में पार्टी में आया हूँ और कार्यकर्ता के रूप में कुछ दिन काम करना चाहता हूँ, ताकि कार्यकर्ता के रूप में काम करने का एक अलग मजा है, उसको और नीचे गिरने की कहीं कोई डर नहीं है। चलिए, कम एक्सपीरियंस राजनीति का, लेकिन सवाल वही राजनेता हिसाब से, अभी ने अपनी पत्ता नहीं खोली है, चुनाव आएंगे अपनी पत्ता खोलेंगे, लेकिन आने वाला 24 के लिए
या संसद या विधायक अच्छा कैंडिडेट तैयार हो चुका है बीजेपी के लिए, और बीजेपी इसका फायदा उठाती है कि नहीं उठाती है या तो समय बताएगा। मैं एक समाज सेवी के रूप में काम करता था जमशेदपुर में मारवाड़ी युवा मंच का पूर्व अध्यक्ष भी रह चुका हूँ मैं, और 2 साल मैंने कोविड काल में मैंने सहायता प्रदान की है। इसके अलावा भी मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर भी रह चुका हूँ और साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स से भी जुड़ा रहता हूँ। मैं एथलेटिक्स संघ का सरायकेला का अध्यक्ष भी हूँ। और ये विचारधारा एक्चुअली जब राजीव रंजन सर सोशल वर्क करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हम भी उस फील्ड से ही जुड़े हुए हैं, हम भी उनके साथ सोशल वर्क किए, उनके साथ जब उनका रिटायरमेंट हुआ तो 1 साल उनके साथ काम किए उनके नेतृत्व में, तो काम करके बहुत ही अच्छा लगा कि अपना पूरा टोटल जो काम है, जो सोच है, वो उनसे बहुत मतलब मेल खाता है। तो इस वजह से उनके साथ उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और जब बड़ा काम करना होता है तो हमें एक पार्टी ज्वाइन करनी होती है, किसी पार्टी का दामन थाम करके बड़ा काम कर सकते हैं आप। तो हमारे सोच विचार के हिसाब से भाजपा भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने डिस्कस किया, सर ने भाजपा ज्वाइन करने का ये किया कि हम भाजपा ज्वाइन करेंगे। मैंने आज तक कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी, पर उनके नेतृत्व में आकर के लगा कि भाजपा में ही अब हम लोग बड़े कुछ अच्छे काम कर सकते हैं, समाज सेवा कर सकते हैं। ये रीज़न की वजह से हम लोग उनके नेतृत्व में आज भाजपा में प्रदेश कार्यालय में आकर भाजपा ज्वाइन किए। अमित खंडेलवाल, अपूर्व अध्यक्ष, मारवाड़ी युवा मंच, जमशेदपुर। आज बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है कि आज के दिन में हमारे प्रदेश के वरीय पूर्व के वरीय पदाधिकारी पुलिस के हमारे अभिभावक राजीव रंजन जी का भारतीय जनता पार्टी में विलय आना एक सुखद समाचार है, क्योंकि उनका पिछला 30 साल में बहुत बड़ा अनुभव उनके पुलिस काल में रहा है उनका, और अनेक क्षेत्रों में उन्होंने अपने कार्य के बल पे, अपने कार्यकुशलता के बल पे अपना अनुभव उन्होंने दिखाया है। तो ये अनुभव जरूर पार्टी को मिलेगा, और ये निश्चित रूप से मान सकते हैं कि ऐसे लोगों का आना, पार्टी में आना, पार्टी मजबूत होगी, और उनका जो जोश खरोश देखा गया है पिछले 30 सालों में उसका भी लाभ पार्टी को मिलेगा। हमको मानना है कि आने वाले समय में लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा से चुनाव से पहले ऐसे लोगों का पार्टी में आना निश्चित रूप से पार्टी मजबूत होगा। और ये उद्देश्य है कि आने वाले 2 लोकसभा चुनाव में 14 के 14 सीटों पर पार्टी काबिज हो, पार्टी की जीत हो। इसके लिए ऐसे अनुभवी लोगों को पार्टी में लाना पार्टी के लिए भी एक अच्छा अनुभव माना जाता है। एडी लाइव का वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद, जोहार।